वेलकम टू भारत वंदन क्लासेस जेसीईआरटी इंग्लिश टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 का जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है सनशाइन, उसका ये एट्थ यूनिट है, आठवां लेसन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अर्थात संचार के साधन। संचार मतलब टेलीफोन, मोबाइल फोन्स या संपर्क करने का जो भी साधन होता है उसे हम लोग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, पिजन्स वेयर द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहले जो कबूतर होते थे पुराने समय में, वो संचार के साधन होते थे। कबूतर के गले में चिट्ठी डाल दिया जाता था और वो चिट्ठी को काफ़ी दूर दूर तक पहुँचाते थे। वाट आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वी यूज टूडे। आज हम लोग किस किस तरह के संचार के साधनों का प्रयोग करते हैं, ये सारा हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे, इस लेसन में सारा चीज पढ़ेंगे। विच डू यू कंसिडर टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। नाउ रीड द स्टोरी टू फाइंड इट। अब इस कहानी को इस चीज़ का पता लगाने के लिए पढ़िए। कल क्लास 3 का इंग्लिश टेक्स्ट बुक का आठवां यूनिट का कहानी है। लेट्स लिसन, रीड एंड एंजॉय। वन डे एज ए वेंट टू बेड आफ्टर स्टडिंग ही स्टार्टेड ड्रीमिंग। एक दिन अजय जो है पढ़ने के बाद बिस्तर पर गया और वह जो है ही स्टार्टेड ड्रीमिंग अर्थात वह सपना देखने लगा। देयर वेयर मैनी थिंग्स इन हिज रूम, उसके रूम में बहुत सारी चीजें थी। देयर वेयर कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एंड न्यूज़पेपर। वहाँ कंप्यूटर थे, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन और न्यूज़पेपर में समाचार पत्र भी थे। देयर वेयर इनवेलप, वहाँ लिफाफा थे, पोस्ट कार्ड एंड सेलफोन और सेलफोन भी था। सडनली अजय हर्ड सम साउंड, अचानक अजय को कुछ आवाज सुनाई दिया। ये बहुत ही कॉमेडी टाइप का स्टोरी है, इसमें आप कॉमेडी के साथ साथ काफी नॉलेज गेन करेंगे। तो यहाँ एक पिक्चर दिया गया है, ये एनवेलप का पिक्चर है। आई एम ए पोस्ट कार्ड, मैं एक पोस्ट कार्ड हूँ। आई एम द फर्स्ट मैसेंजर, और मैं पहला मैसेंजर हूँ मतलब पहला संदेश पहुँचाने वाला। आई एम द बेस्ट, और मैं सबसे अच्छा हूँ। इस प्रकार वन बाय वन परिचय देंगे। देखिए यहाँ एक फिगर दिया है, कहता है आई एम ए न्यूज़पेपर, मैं एक समाचार पत्र हूँ। आई लेट यू नो अबाउट द इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, मैं दुनिया के विभिन्न घटनाओं के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। वे आपस में तर्क कर रहे हैं कि कौन सबसे अच्छा है। चलिए आगे, टेलीफोन। आई एम ए टेलीफोन, मैं एक टेलीफोन हूँ। आई हेल्प यू टू टॉक विथ योर फ्रेंड्स, मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से बात करने में मदद करता हूँ। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। गुड, बेटर, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। आई एम ए रेडियो, ये क्या कहता है, आई एम ए रेडियो, मैं एक रेडियो हूँ। आई मेक यू लिसन सॉन्ग्स एंड न्यूज, मैं तुम्हें गाने सुनाता हूँ और समाचार सुनाता हूँ। आई एम द बेस्ट, कि मैं सबसे अच्छा हूँ। वे कह रहे हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ, आपस में वो तर्क कर रहे हैं। एक्चुअली इसके माध्यम से सभी का परिचय आप लोगों से हो रहा है कि कौन चीज़ क्या है और किसका उपयोग क्या होता है। आई एम ए टेलीविज़न, मैं एक टेलीविज़न हूँ। आई शो यू मूवीज़, न्यूज़ एंड कार्टून्स, मैं तुम्हें फिल्म, समाचार और कार्टून दिखाता हूँ। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। आई एम ए कंप्यूटर, मैं एक कंप्यूटर हूँ। आई कैन शो मूवी, मैं मूवी दिखा सकता हूँ। कार्टून्स, कार्टून दिखा सकता हूँ। सेंड मैसेज, मैसेज भेज सकता हूँ। एंड कैन स्टोर ए लॉट ऑफ डाटा, और बहुत सारा डाटा मैं स्टोर कर सकता हूँ, बहुत सारे आंकड़ों को मैं सुरक्षित रख सकता हूँ। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। तब आप लोगों को देखना है कि आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट क्या है। आई एम ए सेलफोन, मैं एक सेलफोन हूँ अर्थात मोबाइल जो हम लोग यूज करते हैं। यू कैन कैरी मी एनीवेयर, आप मुझे कहीं भी ले जा सकते हैं। एंड आई ऑल्सो कनेक्ट यू विद द वर्ल्ड, और मैं भी आपको दुनिया से जोड़ता हूँ। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। आई एम द बेस्ट मीन्स मैं सबसे अच्छा हूँ।
अजय अजय वेक अप, इट्स 6 o'clock नाउ। कहता है अजय उठो, अब 6 बज चुके हैं। एक्चुअली वो पढ़ के सोया था और सोने के बाद रात में सपना देख रहा था और सपने में सारी चीजें देख ली। उसके माध्यम से हम लोग काफी जानकारी मिली। अजय वॉकअप इंस्टेंटली, अजय तुरंत उठा। ही टोल्ड हिज मदर अबाउट द ड्रीम, उसने अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताया। फिर अजय कहता है मम्मी दे वेयर टॉकिंग एट नाइट, वे लोग रात में बातें कर रहे थे। मम्मी हु इज द बेस्ट वन, कि कौन सबसे अच्छा है? तो मदर, उसकी माँ जवाब देती है। उसकी माँ क्या जवाब देती है? अजय दे आर ऑल इम्पोर्टेंट, कि वे सभी महत्वपूर्ण हैं। दे ऑल हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, उन सभी का अपना अपना महत्व है। बट इन द प्रेजेंट टाइम, लेकिन वर्तमान समय में कंप्यूटर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि कंप्यूटर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस, कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों को करता है। बाय यूजिंग इंटरनेट वी गेट ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनेट का यूज करके हम लोग सभी प्रकार के सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। वी सेंड मैसेजेस थ्रू इट, और हम लोग इससे मैसेज भी भेज सकते हैं। वी रीड न्यूज़ फ्रॉम इट, और हम लोग इससे समाचार भी पढ़ सकते हैं। वी वॉच मूवीज ऑन इट, और हम लोग इसमें फिल्म भी देख सकते हैं। वी टॉक विथ आवर फ्रेंड्स बाय इट, और हम लोग अपने दोस्तों से इससे बात कर सकते हैं। वी स्टोर डाटा इन इट, और हम लोग इसमें अपने आंकड़ों को, अपने डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। अजय ओके मम्मी, नाउ आई केम टू नो दैट कंप्यूटर इज द बेस्ट वन, अब मैं जान गया कि कंप्यूटर सबसे अच्छा है। मदर अजय बी रेडी एंड गो टू स्कूल, अजय तैयार हो और स्कूल जाओ। अब है यहाँ न्यू वर्ड्स, पूरा चैप्टर को हम लोग देख लिए, काफी कुछ समझ में आया होगा। किसी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम होता है आप सबको, तो आप जो है कमेंट करेंगे, मैं आप सभी को जवाब दूंगा। वॉइस मीन्स आवाज़ होता है, पोस्ट कार्ड कंप्यूटर आप जानते हैं, सेलफोन मीन्स मोबाइल फोन, कनेक्ट मीन्स जुड़ना, इंटरनेट आप जान रहे हैं। ठीक है, तो इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर को मैं बताऊंगा, तो पहले वीडियो को देख लें। एक बार में अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसे दोबारा देखें। क्लास 3 के यूनिट 8 तक के सभी वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप वन बाय वन देख करके और इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।